नमस्कार दोस्तों, 5 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, फार्मर्स रेस पिच प्रोटेस्ट विद बॉडीज। देखिए, आपको पता ही है कि 4 फार्मर्स की डेथ हो गई, उसके बाद 4 और लोगों की डेथ हुई। ये लखीमपुर खीरी वाला जो इंसिडेंट है, उसके पास एक जगह है तिकोनिया, वहां पर यह इंसिडेंट हुआ था। अब इंसिडेंट में हुआ यह है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है अजय कुमार मिश्रा और इनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, ओवरऑल आशीष मिश्रा के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इनकी गाड़ी चढ़ गई फार्मर्स के ऊपर और उसमें फार्मर्स की हो गई मृत्यु, ठीक है। और उसके बाद आशीष मिश्रा की भी गाड़ी पलट गई थी, उसमें से आशीष मिश्रा बाहर निकले, दौड़ने लगे, एक फार्मर इनके पीछे पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने गोली मार दी, बाद में पुलिस आई और उन्होंने आशीष मिश्रा को बचा लिया। हालांकि जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आशीष मिश्रा से पूछा गया तो इन्होंने बोल दिया कि ये वहां पे थे ही नहीं, ये अपने एक एंसेस्ट्रल इवेंट में आए थे अपने विलेज बनवीरपुर में सुबह 9 बजे। तो कुल मिलाके आशीष मिश्रा का अकाउंट ये बोलता है कि ये उस पर्टिकुलर जगह पे थे ही नहीं, और ओवरऑल फार्मर्स का ये बोलना है कि इनकी गाड़ी फार्मर्स के ऊपर चढ़ गई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और बवाल इतना ज्यादा हो गया कि फार्मर्स ने अपना ट्रैक्टर पार्क कर दिया उस जगह पे जहां पे पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, जहां 4 फार्मर्स की मौत हुई, और एक ग्लास के शीशे के अंदर उन 4 फार्मर्स की जो डेड बॉडीज हैं वो रखी नहीं और वहां से हट नहीं रहे थे। फाइनली बीकेओ के स्पोक्स पर्सन राकेश तिकैत ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करी और बातचीत के बाद मैटर को सॉर्ट आउट किया गया, और मिस्टर तिकैत ने यहां पे भाषण दिया, वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। तो कुल मिला के जैसे तैसे करके उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अभी के लिए मैटर को सॉर्ट आउट करवा दिया गया है, और जो आशीष मिश्रा हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं, इनको मर्डर के लिए बुक किया गया है, 45 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा इन लोगों की फैमिली मेंबर्स को जिनकी यहाँ पर मौत हुई है, उनकी फैमिली में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का जुडिशियल प्रोब होगा। तो ये पूरा का पूरा खासा मतलब जबरदस्त बवाल हो गया यहाँ पे, छोटा मोटा बवाल यहाँ पे नहीं है, और सीधे सीधे आशीष मिश्रा के बेटे, सॉरी अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे आई विटनेसेस ये बोल रहे हैं कि इनको वहां पे देखा गया है, जबकि आशीष मिश्रा खुद ये बोल रहे हैं कि वो वहां पे नहीं थे। अब कौन कहां था, कौन कहां नहीं था, ये बात डिसाइड करने की ताकत जुडिशी के पास है, जुडिशी में केस पहुंचेगा और चीजों के लेके बातचीत की जाएगी, ठीक है। जीएस पेपर, ये जनरल स्टडीज में करंट न्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टार्ट रिकनेक्टिंग, इसके ऊपर मैंने एक सुबह शॉर्ट भी बनाया था। अच्छा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दोस्तों, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो पे लाइक बटन जरूर दबा दें और कमेंट करके इंगेजमेंट बढ़ाएं, क्योंकि आपके इंगेजमेंट बढ़ाने से ओवरऑल यूट्यूब वीडियोस को ज्यादा रिकमेंड करता है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कल 6 घंटे के लिए बंद हो गए थे, अराउंड नून ईस्टर्न टाइम 9:30 PM 6 घंटे के लिए बंद हो गए, ऐसा बताया गया है ग्राउंड डिटेक्टर द्वारा, एक वेबसाइट के द्वारा। आप कह सकते हो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तीनों का सबसे बड़ा आउटेज इवेंट है ये अब तक का, और इसके चलते कितना हैवी नुकसान हुआ है मार्क जुकरबर्ग को, ये मैंने सुबह के शॉर्ट में आपको ऑलरेडी बताया था। और ओवरऑल फेसबुक की इमेज पिछले कुछ 3 हफ्तों से और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि फेसबुक के अंदर ही काम करने वाला एक एम्प्लॉय विसिल ब्लोअर बन के सामने आया और उसने बताया कि फेसबुक के अंदर लोगों को पता है कि फेसबुक की एल्गोरिदम से हेट स्पीच प्रमोट होती है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट होती है, उसके बाद भी फेसबुक में जो एम्प्लॉयज़ हैं, फेसबुक की जो पॉलिसी है वो इस प्रकार की हेट स्पीच को प्रोलिफरेट करने देती है, चूंकि इनकी एड इनकम होती है उससे। ओवरऑल फेसबुक के शेयर्स 4.9% गिरे हैं मंडे को, 200 करोड़ डेली यूजर्स हैं फेसबुक के, और ये जो आउटेज हुआ है इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि मे बी किसी इंसाइडर ने सैबोटेज किया हो या फिर कोई इंटरनल मिस्टेक हो गई हो। इंटरनल मिस्टेक ये बताई जा रही है कि एक इंटरनल राउटिंग मिस्टेक हुई है, जो सर्वर्स और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो किसी दूसरे डोमेन के प्रति तरफ जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डाइवर्ट किया गया तो उस दूसरे डोमेन पे कुछ और इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स और रिसोर्सेज डिपेंड करते थे, ये सारे के सारे यहाँ पे डाउन पड़ गए, क्रैश कर गए, और ओवरऑल यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों चलने यहाँ पे बंद हो गए। और जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि प्रति घंटे जो एड रेवेन्यू का नुकसान US में हुआ है फेसबुक को, वो हुआ है $5,45,000 का, लगभग 4 करोड़ 8 लाख रुपए का, अगर आप ₹75 प्रति डॉलर का कन्वर्जन रेट रखते हो तो। जनरल स्टडीज पेपर 3 साइबर न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट भाई, सुप्रीम कोर्ट लैशेज आउट एट फॉर्म बॉडी फॉर सीकिंग प्लेस टू होल्ड सत्याग्रह। देखिए, इस कंटेक्स्ट में ऑलरेडी एक वीडियो लगभग
आपको मिली गई होगी, मैंने अपलोड कर दी है, आई होप अब तक आपने इसको देख ली होगी, जहां पे मैंने आपके साथ बातचीत की कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर अब बहस होगी कि भाई ये जो फार्मर्स का राइट टू प्रोटेस्ट है ये किस हद तक एब्सोल्यूट है और किस हद तक एब्सोल्यूट नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो 8 लोग की मृत्यु हुई है उस चीज को लेकर बातचीत की जा रही है। जस्टिस एम खानविलकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा व्यू पॉइंट है कि जब ऑलरेडी फार्म लॉस को अबेयंस में रखा गया है और फार्म लॉस सब जुडिस है, सब जुडिस मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो जब कोई चीज ऑलरेडी सब जुडिस है तो आप क्यों सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हो? और जब आप सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करते हो तो आप लोगों की डेली लाइफ को अफेक्ट करते हो, आप रोड्स को ब्लॉक करते हो, जिन जगहों को आप रोड्स को ब्लॉक करते हो, जिन इलाकों को आप ब्लॉक करते हो उस पे आसपास के लोगों को यहाँ पे परेशानियां होती हैं, क्या उन लोगों से भी आपने परमिशन ली है? प्लस यहाँ पे एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आके सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए, तो ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हो? पहली बात तो दिल्ली के बाहर के इलाकों में आपने प्रोटेस्ट करके दिल्ली की सप्लाई लाइंस काट रखी हैं और उसके बाद आप दिल्ली में जंतर मंतर आके मतलब प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तो सब जुडिस मैटर के ऊपर किस हद तक प्रोटेस्ट हो सकता है इसके ऊपर जल्दी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ नीट यूजी 2021 हेल्ड ऑन 12 सितंबर। 12 सितंबर को नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2021 का हो चुका है। अब यहां पे बोला ये जा रहा है कि एलेज्ड पेपर लीक और माल प्रैक्टिसेस हुई है इस एग्जाम में, व्हाट्सएप पे यहां पे सॉल्यूशंस रिलीज हुए हैं, चीटिंग हुई है इस एग्जामिनेशन के दौरान और इसकी बहुत सी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं। और पेटिशनर्स जो कि इस एग्जाम के कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं निनाद डोगरा, ये इनके लॉयर हैं। तो जब ये लॉयर इस पर्टिकुलर पेटिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने पहुंचे कि ये नीट का एग्जाम आप कैंसिल करिए, इसमें बहुत सारी चीटिंग हुई है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये कैसे रिट पेटिशन आप फाइल कर रहे हो? 7 लाख बच्चे यहां पे ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं, आप चाहते हो कि हम यहां पे एग्जाम कैंसिल कर दें और इतने सारे बच्चों को इनकन्वीनियंस करें? तो डोगरा साहब बोल रहे हैं कि साहब माई बाप, सुप्रीम कोर्ट आप ही ने तो बोला था कि अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम हुई तो केस लेके आओ, और यहां पे तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट FIR फाइल हुई है जिसमें यह बोला जा रहा है कि हाँ भाई चीटिंग हुई है, तो चीटिंग हुई है तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस BR गवई साहब भी थे और जस्टिस L नागेश्वर राव भी थे, इन्होंने बोला कि भाई देखिए हम यहां पे इंटरवीन नहीं करेंगे, नीट के एग्जाम को कैंसिल करना दिस इज नॉट एन ऑप्शन हियर। तो नीट के एग्जाम की कैंसिलेशन की जो पिटीशन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और बोला है कि इस प्रकार की पिटीशंस और लाए तो तुम्हारे ऊपर 5 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। इनफैक्ट ये पेटिशनर्स तक ने ये तक बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पुलिस चीफ्स को ये इंस्ट्रक्शन दे कि प्रोब रिपोर्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिया जाए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किस हद तक एग्जाम में टीचिंग हुई, कितना यहाँ पे पेपर लीक हुआ, कितनी अलेज्ड माल प्रैक्टिसेस यहाँ पे हुई, इन सब चीजों के ऊपर पुलिस चीफ्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश और CBI को डायरेक्शन दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाँ भाई आप प्रॉपर रिपोर्ट फाइल करिए कि कितनी चीटिंग हुई है कितनी चीटिंग नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई हम इंटरवीन नहीं करेंगे, 7 लाख बच्चे जब एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं, इतनी मुश्किल से एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो वहां पर इंटरवीन करना अब सही नहीं है। ओके, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा था इन पेटिशनर के द्वारा कि आप गवर्नमेंट को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और मेडिकल कमीशन को ये प्रोटोकॉल्स भी मतलब इंस्ट्रक्ट करिए और ये बोलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि भाई जब भी आप एग्जाम कंडक्ट करते हो तो एग्जाम कंडक्ट करने से पहले कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करो, जैमर्स का इस्तेमाल करो ताकि एग्जाम फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो पाए। देखिए ये जो व्यू पॉइंट है पेटिशनर के ये सही है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन करने से मना कर दिया है इन द कैंसिलेशन ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड नीट एग्जाम, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पेटिशनर्स का ये पॉइंट कि भाई एग्जाम कंडक्ट करने से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैमर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ये व्यू पॉइंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सॉरी इन पेटिशनर्स का बिल्कुल सही है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव बोलना चाहिए। अभी इसी कंटेक्स्ट में आज ही सुबह मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट, यहाँ पे नीट सुपर स्पेशलिटी का जो एग्जाम होता है ना इसके सिलेबस को चेंज किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार के नीट एग्जाम होते हैं, एक डेंटल कोर्सेज के लिए होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, एक सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल क्लियर के होता है, इनको कौन कौन कंडक्ट करता है ये मैंने इस वीडियो में बताया। रिसेंटली नीट सुपर स्पेशलिटी सिलेबस को सरकार ने चेंज क्यों किया है,
और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट दे रही है इसके कंटेक्स्ट में एक वीडियो आज सुबह ही बनी है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, काफी कुछ यूजफुल आपको जानने को मिलेगा। जीएस पेपर 4 चैलेंजेस ऑफ करप्शन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट भैया एमके स्टालिन, ये जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, ये पीछे ही पड़ गए नीट एग्जाम के। इन्होंने 12 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और बोला है कि भाई एजुकेशन सेक्टर में, खासकर ये मेडिकल सेक्टर में, ओवरऑल नियम कानून बनाने की ताकत और बच्चों का स्टैंडर्ड कौन से, मतलब बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी कॉलेजेस में कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, ये ताकत भाई राज्य की सरकारों के पास ही रहना चाहिए और इसके लिए कंबाइन होके हम सबको ये ताकत अपने पास लेनी चाहिए। ऐसा एमके स्टालिन साहब ने अपनी चिट्ठी में 12 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को लिखा है। ये चिट्ठी भेजी गई है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बेसिकली उन स्टेट्स में चिट्ठी भेजी गई है जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। ओवरऑल एमके स्टालिन साहब ने यहां पे ये बोला है कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट नीट का एग्जाम लेके आया है, ये नीट फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर को राज्य की सरकार की तरफ से खींच के केंद्र की सरकार की तरफ लेके जाता है। एडमिशन कैसे होना चाहिए कॉलेजेस में, खासकर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, ये राज्य की सरकारों को डिसाइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली उन सीटों पे जो कि राज्य की सरकार के अंदर आती हैं। तो ऐसे केसेस में केंद्र की सरकार नीट के एग्जाम के थ्रू हमारी ताकत छीन रही है और यहां पे अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं एमके स्टालिन साहब ने। एक तो उन्होंने जस्टिस ए के राजन कमेटी की रिपोर्ट को एस्टैब्लिश, मतलब अटैच किया। दूसरा उन्होंने तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज एक्ट 2021 की एक कॉपी यहाँ पे अटैच की। अभी आपको पता है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स लेके आए हैं जिसको आप बोलते हो एंटी नीट बिल, ओके, और इस एंटी नीट बिल को लाके नीट के एग्जाम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के एडमिशन नहीं होंगे तमिलनाडु के अंदर, उनका खुद का जो 12वीं कक्षा के नंबर होते हैं उसके हिसाब से एडमिशन होंगे, जैसा कि नीट से पहले होता था तमिलनाडु में। और ए के राजन कमेटी से अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ए के राजन कमेटी अपने आप में डिस्प्यूटेड है, मैंने कई बार एडिटोरियल्स में बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जहां पे ए के राजन कमेटी की जो मोडस ऑपरेंडी है रिजल्ट्स छापने में, अपना ऑब्जर्वेशन देने में, इसको गलत बताया गया। बहुत सारे लोग ए के राजन कमेटी को जस्टिफाई करते हैं, बहुत सारे लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एम के स्टालिन एक प्रकार का मूवमेंट चला रहे हैं और ये मूवमेंट वो केंद्र की सरकार के अगेंस्ट चला रहे हैं। मेडिकल एडमिशंस राज्य की सरकार की ताकत के अंदर लेना चाहते हैं एम के स्टालिन। केंद्र की सरकार वैसे भी जस्टिस ए के राजन कमेटी को इनवैलिड बोल चुकी है, केंद्र की सरकार पहले भी बोल चुकी है कि जो जस्टिस ए के राजन कमेटी है ये गलत है, इसके व्यू पॉइंट्स बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है इसके बारे में व्यू पॉइंट्स एडिटोरियल में मैंने पहले डिस्कस किए, इतनी कम छोटी सी वीडियो में आपको नहीं बता सकता। अच्छा एक और खास बात है, ओवरऑल ये नीट का एग्जाम आया कैसे, तो पहले था आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को हटा दिया गया और फिर लेके आया गया नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 2019। और नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 2019 के बेसिस पे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, इन सब चीजों के बारे में बात की गई। लेकिन सेक्शन 61 क्लॉज 2 ऑफ द नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 ने साफ साफ बोल दिया कि 1956 में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए गए थे वो स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट नहीं किए जाएंगे, उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 के सेक्शन 14 ने भी ये साफ साफ बोल दिया है कि चाहे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स हो, इसकी सीटें नीट के थ्रू ही भरी जाएंगी। अब मेडिकल एजुकेशन के बारे में नियम कानून बनाने की ताकत है किसके पास, तो अगर आप मेडिकल एजुकेशन की बात करो तो दिस कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड सेटअप करने की बात आती है तब वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो यहां पे आपको याद रखिएगा हमारे 7वें शेड्यूल में अगर कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 25 में आप चले जाओ तो वहां पे आपको मिलेगा मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन के ऊपर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप यूनियन लिस्ट के एंट्री 66 में चले जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं और यहां पे पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत आती है केंद्र की सरकार के पास। और इसी ताकत के हिसाब से नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के थ्रू यहाँ पे सरकार ने नीट इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि नीट 2017 से ही आ गया है बट ओवरऑल इसको स्टैटूटरी बैकिंग मिल गई है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 से। तो इसीलिए अगर आप
एंट्री 25 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट को एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली तमिलनाडु की सरकार के पास, क्या किसी भी राज्य सरकार के पास ये ताकत है कि वो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड नियम कानून बना सकते हैं? लेकिन उनके हायर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कैसे होगा ये डिसाइड करने की ताकत, इसके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने की ताकत अकॉर्डिंग टू एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट हमारी केंद्र की सरकार के पास है। तो टेक्निकली अगर आप नियम कानून के हिसाब से देखोगे तो तमिलनाडु या कोई भी और राज्य की सरकार यहाँ पे केंद्र की सरकार के डायरेक्टिव को हटा नहीं सकती, नीट को हटा नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी तमिलनाडु यहाँ पे हार जाएगी व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग नीट। नीट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रहने वाला है। जनरल स्टडीज पेपर टू इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट मूव्स इजियर क्लियरेंस फॉर फॉरेस्ट लैंड यूज। देखिए भाई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है सरकार। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 1980 में इनैक्ट किया गया था और बाद में इसको 1989 में अमेंड भी किया गया। अब यहाँ पे सरकार ऐसा प्रपोज कर रही है कि वो एजेंसीज जो कि नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती या फिर बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉर्डर इलाकों में कंस्ट्रक्शन करेंगी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए इन एजेंसीज को ओवरऑल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर के नियम कानूनों को मानने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करो, ओवरऑल अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लो, इस प्रकार के अप्रूवल नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए और बॉर्डर इलाके में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोला जा रहा है एक नए प्रपोजल में जिसको आगे आने वाले में सरकार लेके आ सकती है। फिर यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बॉडीज हैं जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज। अब 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आने से पहले रेलवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो जमीन ऑलरेडी खरीद ली थी उस जमीन के ऊपर फॉरेस्ट को हटा के अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो भी वहां पे एफसीए 1980 अप्लाई नहीं होगा, इस प्रकार के चेंजेस किए जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के आने से पहले रेलवेज और एनएचएआई जैसे पब्लिक सेक्टर ने अगर किसी जमीन को खरीद लिया है और उस जमीन पे फॉरेस्ट है तो उसके फॉरेस्ट को काट के वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला सकते हैं, उसके लिए उनको एफसीए के नॉर्म्स को मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये बात यहां पे बताई जा रही है। दो नए अमेंडमेंट्स यहां पे प्रपोज किए जाएंगे सरकार के द्वारा अंडर एफसीए। देखिए, ये जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, इसके चलते डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कभी कभी रुक जाते हैं, ऐसे सरकार का बोलना है। हालांकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी अपने आप में बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हमारे देश में केवल 21 या 22 प्रतिशत फॉरेस्ट बचे हैं, जबकि टेक्निकली 33.33% फॉरेस्ट होने चाहिए हमारे टोटल लैंड एरिया के। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो ही हमारे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से बच पाएंगे, और अगर आप ज्यादा फॉरेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे एफसीए के एप्लीकेशन को सरकार रोकना चाहती है। एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एफसीए के अंदर फॉरेस्ट्री और एक होती है नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। अभी क्या है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का नाम आपने सुना होगा, कैंपा फंड बनाया गया। इस कैंपा फंड के अंदर जो भी पैसा आता है उसको अफॉरेस्टेशन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज जो मेंशन करके रखी गई जैसे जूस, सफारीज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें भी पैसा लगाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल कैंपा के थ्रू और बाकी मैकेनिज्म के थ्रू फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज के लिए जो पैसा आता है उनको जूस, सफारीज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में खत्म नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए जूस, सफारीज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज कहा गया है, इनको नॉन फॉरेस्ट्री कैटेगरी से हटाया जाएगा ताकि कल की डेट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उसको जूज में, सफारी में और फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया जा सके, ये सरकार कोशिश कर रही है। प्लस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को भी अमेंड करने का प्लान है सरकार का। इसके लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट किया गया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास स्टेट्स में ताकि उनके कमेंट्स आ सकें, ऑब्जेक्शंस आ सकें और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है ना, इसके लिए भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्कुलेट किया गया है। 15 दिन का टाइम है लोगों के पास, लोग अपने व्यू पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज है मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट नीडेड। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी 2016 में, और इस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने का ऑब्जेक्टिव था। होता क्या है कि कई बार क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में लोग घर खरीद लेते हैं बायर्स के साथ,
उसके लिए भारी मात्रा में लोन उठा लेते हैं, लेकिन जब बायर सही समय पे घर बना के देते नहीं है लोगों को, तो लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। अब एक लाख रुपए कमाने वाला इंसान मान लो 1.5 करोड़ का घर खरीदता है, वो हर महीने 40-50 हज़ार रुपये की EMI भर रहा है, उससे बोला गया 3 साल बाद आपको घर बन के मिल जाएगा, लेकिन घर 3 साल बाद बना नहीं और बिल्डर बनवाने की जो डेडलाइन है उसको आगे शिफ्ट ही किए चला जा रहा है, तो ये काम गड़बड़ है। और इस चीज को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना ने बहुत सीरियसली टेकअप किया है। एक यहां पे मॉडल बिल्डर बायर और एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि भाई फ्लैट वगैरह की कॉस्ट ये है और इतने समय पर अगर फ्लैट हैंडओवर नहीं किया गया तो इतना पैसा बायर को वापस करना पड़ेगा परचेजर को। इस प्रकार के बहुत सारे अरेंजमेंट्स यहां पे होना चाहिए, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रोविजंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां पे नहीं आती। देखा जाए तो रेरा का सेक्शन 41 और सेक्शन 42 देखोगे तो सेक्शन 41 में बोला गया है कि एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी और इस सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या होगा कि रेरा को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, पॉलिसी चेंजेस को डिसाइड किया जाए, कंज्यूमर इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, बिल्डर्स और प्रोमोटर्स को अकाउंटेबल किया जाए। ये सेक्शन 41 और सेक्शन 42 ऑफ द रेरा एक्ट फॉलो नहीं हो रहे, तो इनको फॉलो करवाने के लिए एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और एक मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट की यहाँ पे जरूरत है, ताकि ये जो बिल्डर्स हैं ये आर्बिट्रेरी अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो अडॉप्ट करते हैं उसको रोका जा सके। ये यहाँ पे भाई बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज थी, जनरल पेपर 2 में आपको काम आएगी। नेक्स्ट, होल्ड प्रोविंशियल काउंसिल पोस्ट विदाउट डिले, इंडिया अर्जेस श्रीलंका। आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो गए हैं श्रीलंका में। अब श्रीलंका में सरकारी ऑफिशियल्स तो मिले ही मिले, तमिल नेशनल अलायंस से भी मिले, और तमिल नेशनल अलायंस से मिलने के बाद तमिल नेशनल अलायंस ने ये डिसाइड किया, मतलब अनाउंस किया कि भाई इंडिया ने साफ साफ श्रीलंका से बोला है कि भाई जितनी भी प्रोविंशियल इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाओ, जितनी भी प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई इनको कंडक्ट करवाओ। देखिए, अगर आप इंडो लंका अकॉर्ड की बात करो, क्योंकि इंडो लंका कार्ड आया था 1987 में और वहां पे ये बोला गया था कि भाई प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाएंगी, इन प्रोविंशियल काउंसिल्स का टर्म होगा 5 साल का। ये प्रोविंशियल काउंसिल नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में बनाई जाती हैं, जहां पे एक साइजेबल अमाउंट ऑफ तमिल पॉपुलेशन है, और इन प्रोविंशियल काउंसिल्स के थ्रू इन तमिल पॉपुलेशन को लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी मिलती है। हालांकि प्रोविंशियल काउंसिल्स इलेक्शन एक्ट 2017 के थ्रू ओवरऑल इलेक्शन का कंडक्ट रोक दिया गया, लास्ट जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनकी मेंबरशिप 2018-2019 में खत्म हो गई और उसके बाद नई प्रोविंशियल काउंसिल्स नहीं बनी है। तो इंडिया ने श्रीलंका को यहाँ पे बोला होगा कि प्लीज आप नई प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाइए, साथ साथ 13th अमेंडमेंट को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करिए। 13th अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है भाई। अगर आप बात करो श्रीलंका की पार्लियामेंट की, तो 225 मेंबर की पार्लियामेंट है और इसमें जो तमिल अलायंस है, जो तमिल नेशनल अलायंस है, इसके सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है 10 MP, मतलब जो तमिल लोकल ग्रुप्स हैं, तमिल नेशनल पार्टीज हैं आपकी श्रीलंका की, उसमें जो तमिल नेशनल अलायंस है सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है तमिल्स की, इसके 10 तमिल MPs हैं, किसमें तमिलनाडु की, सॉरी श्रीलंका की पार्लियामेंट में। तो कुल मिला के इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने श्रीलंका के ऑफिशियल्स को बोला है कि भैया आप प्रोविंशियल काउंसिल्स को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाइए और आप 13th अमेंडमेंट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। अभी जो प्रेजेंट सरकार आई थी उसने बोला था कि हम 13th अमेंडमेंट को हटा देंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड किया है लेकिन 13th अमेंडमेंट को नहीं हटाया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो तमिल डोमिनेटेड इलाके हैं ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को रोकने की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने साफ साफ बोला है कि इन तमिल इलाकों में वी डोंट लाइक थर्ड पार्टी प्रेजेंस। एक्चुअली में बात यह कि जाफना पेनिनसुला के पास एक डेल्फ्ट आइलैंड है, ये डेल्फ्ट आइलैंड इंडिया के पास है, बहुत पास है इंडिया के। यहाँ पे एक चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट लगने की बात हो रही थी तो इंडिया ने बोला कि भाई ये सही बात नहीं है, आप हमारी एनिमी कंट्री को यहाँ पे प्रोजेक्ट मत बनाने दीजिए। तो फिर मलया तमिल्स और ओवरऑल श्रीलंका तमिल्स यहाँ पे तमिल से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स भी दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने तमिल्स हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हो, मैं PPT आपको अवेलेबल करवा दूंगा। न्यूज़ आपको पता ही है कि इंडिया ने अनऑफिशियली ओवरऑल श्रीलंका से बोला है कि 13th अमेंडमेंट को पूरी तरीके से अप्लाई करिए और ओवरऑल प्रोविंशियल इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट करिए। GS पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। फ्यूमियो किशिदा अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के, इनके बारे में पहले से ही बात हो रही है। जो आपका योशीहिडे सुगा थे उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जापान में काफी गिर गई थी, तो ये हट गए और नए प्राइम मिनिस्टर बन गए जापान के फ्यूमियो किशिदा।
अफगानिस्तान से एक न्यूज निकल के आ रही, तालिबान ने बोला है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट सेल के ऑफिस को ओवरऑल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक्चुअली में हुआ ये कि आईसिस के मेंबर ने अभी एक मॉस्क के ऊपर अटैक करवाया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, तो इसके बदले में तालिबान ने उनका जो रीजनल सेंटर था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आईसिस की, इस्लामिक स्टेट की जो सेल काबुल में ऑपरेट कर रही है उसकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा यहाँ पे तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। हालांकि ओवरऑल यहाँ पे एक्चुअली में सिचुएशन क्या है ये पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस ड्यू वन नोबेल फॉर वर्क ऑन टेम्परेचर एंड टच। देखिए, 2 US साइंटिस्ट डेविड जूलियस और आर्डम पपटोन, इनको नोबेल मेडिसिन प्राइज मिला है। इन्होंने एक डिस्कवरी की है ऑन द रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स को लेकर नोबेल मेडिसिन प्राइज दिया गया है डेविड जूलियस को और आर्डम पपटोन को। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई है ना, जो इस बार के नोबेल प्राइज लॉरियट्स को मिली है, ये मदद करती है समझने में कि कैसे हीट, कोल्ड और मैकेनिकल फोर्सेस नर्व इंपल्सेस को इनिशिएट करती हैं ताकि हम आसपास के वर्ल्ड को यहाँ पे समझ पाए। ठीक है, दिस रिसर्च इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप ट्रीटमेंट्स फॉर वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग क्रॉनिक पेन। तो हमारी एबिलिटी टू सेंस हीट, कोल्ड एंड टच इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, और इस एबिलिटी को कंट्रोल करके लोगों के पेन को कम किया जाए, उनके नर्वस सिस्टम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके लिए यहाँ पे जो रिसर्च की है डेविड जूलियस और आर्डम पटोपोन ने, उसके लिए इनको नोबेल मेडिसिन प्राइज दिया गया है फॉर डिस्कवरीज ऑन रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ठीक है भाई, जूलियस जो कि 65 हैं, इनको इनकी रिसर्च के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। इन्होंने यूज किया है कैप्सेसिन को, एक कंपाउंड है चिली पेपर्स का दैट इंड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन टू आइडेंटिफाई विच नर्व सेंसर्स इन द स्किन रिस्पॉन्ड टू हीट। और जो पेटापोटिन की जो पायनियरिंग डिस्कवरी है, इट वॉज आइडेंटिफाइंग द क्लास ऑफ नर्व सेंसेस दैट रिस्पॉन्ड टू टच। ओके, और इन ब्रेकथ्रूज के चलते इंटेंस रिसर्च एक्टिविटी शुरू हुई है, जिसके चलते अ रैपिड इंक्रीज इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर हाउ अवर नर्वस सिस्टम सेंसेस हीट एंड कोल्ड एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो जो यहाँ पे आपका डेविड जूलियस और आर्डम पटोपोन ने किया है, उसके बेसिस पे कैप्सिन को इस्तेमाल करके और ओवरऑल नर्व सेंसेस को इस्तेमाल करके कैसे एक ह्यूमन का नर्वस सिस्टम हीट, कोल्ड और मैकेनिकल स्टिमुलाई को एक्सपीरियंस करता है, इस बात के रिसर्च को लेके और आगे सब्सिक्वेंट रिसर्च हम इजिली कर सकते हैं इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। ठीक है भाई, जूलियस, डेविड जूलियस प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, और जो पेटापोन है उनसे 12 साल छोटे हैं। ये प्रोफेसर हैं स्क्रिप्स रिसर्च कैलिफोर्निया में। इन्होंने नोबेल प्राइज को यहाँ पे शेयर किया। ठीक है भाई, तो ये है पूरा का पूरा एनालिसिस, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे न्यूज़ आपको काम आएगी। तो यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।